नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस को सूचना देने के बाद भी काफी लेट पहुंची पुलिस ने सायरन बजाकर जुआरियों को किया अलर्ट। छत पर करीब दो दर्जन जुआरी बेखौफ होकर खेल में थे मस्त। निगरानी करने के लिए बड़े बुकुर जीतू सोनकर व नसीफ ने अपने कुर्कों को पैसे देकर गली में लगा रखा है कोई युवक, जो संदिग्ध हो या फिर पुलिस की आने की खबर को फोन के जरिए फर तक पहुंचाता है, जिससे उन युवक को घंटे का पैसा मिलता है। जूही थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर फल फूल रहा जुए का कारोबार। छत पर करीब दो दर्जन जुआरी बेखौफ होकर खेल में थे मस्त। पुलिस को सूचना देने के बाद भी काफी लेट पहुंची पुलिस ने सायरन बजाकर जुआरियों को किया अलर्ट। निगरानी करने के लिए बड़े बुकुर जीतू सोनकर व नसीफ ने अपने कुर्कों को पैसे देकर गली में लगा रखा है कोई युवक, जो संदिग्ध हो या फिर पुलिस की आने की खबर को फोन के जरिए फर तक पहुंचाता है, जिससे उन युवक को घंटे का पैसा मिलता है। क्षेत्रीय सूत्रों की माने तो काफी समय से सफेद पोश और कुछ पुलिस कर्मियों की संरक्षण में चल रहा है बड़ा खेल, जिसके चलते नहीं होती है कोई भी कार्रवाई। आपको बताते चले कि पुलिस के लिए ये सब घटनाएं आम है। जुआ, शराब और गांजा, इन सब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिस पर पुलिस भी रोक लगाने से हार मान चुकी है। वहीं SP साउथ दीपक भूकर ने साउथ सर्किल की कमान को संभाला, जिसके बाद से कई बड़े सट्टे जुए के अड्डे को पकड़ा है। वहीं किदवई नगर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ने के बाद कड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद से सभी माफियाओं ने अपना अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। मगर स्थानीय पुलिस की मिली भगत से क्षेत्र में जुए, गांजे, चरस, शराब को फिर से चालू कर दिया गया है। आखिर इन पर पूरी तरह से प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन एक बार किसी काम को अपने दायरे से कहकर बंद करवा देता है, तो दोबारा से अपराधी अपना व्यापार खोलने से पहले कई बार सोचते होंगे। मगर सूत्रों की माने तो साप्ताहिक और महीनवारी पगार पुलिस को दी जाती है, जिसके पास से क्षेत्र में हर गलत कार्य को जन्म देने का हाथ पुलिस का होता है, क्योंकि बिना पुलिस की मर्जी से एक भी गलत कार्य नहीं चल सकते हैं। जूही थाने से निकलने के बाद इंडियन प्राइम न्यूज चैनल के संवाददाता ने जब जुए की फड़ के पास पहुंचकर जूही इंस्पेक्टर को फोन लगाया और अपना परिचय न देते हुए जुए के फड़ की सूचना दी कि थाने से चंद कदम दूरी पर बारा देवी चौराहे पर एक छत पर दर्जन भर से ज्यादा जुआरी जुआ खेल रहे हैं, काफी लंबा जुआ चल रहा है। तो इंस्पेक्टर ने बताया कि देखता हूँ, सूचना देने के 25 मिनट बाद सरकारी गाड़ी और उसमें बैठे दो सिपाही सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंचे और जब तक सायरन बजाते रहे जब तक कि जुआरी भाग नहीं गए। भागने के बाद पुलिस ने जुए की चल रही फड़ के बारे में किसी से नहीं जाना कि कहां जुआ चल रहा है, किसके मकान में चल रहा है, ना ही किसी को वार्निंग दी। वहीं पूरी घटना का वीडियो एक छत में बनाया जा रहा था, जिस पर पूरी वीडियो में पुलिस की अहम संदिग्ध भूमिका के बारे में देखा जा सकता है। जब नीचे आकर पुलिस कर्मियों से जुए के बारे में पूछा तो बताया कि मैं राउंड पर हूं, मुझे इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है, मगर पूरे मामले अगर पुलिस अपने तरीके से कार्य करती हो सब पकड़े जाते। मगर वहीं पूरी वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद खबर चलाई गई, क्या अब भी प्रशासन सोता रहेगा या फिर फुटेज के आधार पर जुआ खेल रहे जुआरियों से पूछताछ या फिर उन पर कार्रवाई हो सकेगी? बने रहिए इंडियन प्राइम न्यूज चैनल पर, जल्द ही फिर से किसी बड़े खुलासे पर नजर है।